हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आज आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप किसी का भी फेसबुक अकाउंट को कैसे हैक कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो के को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टेप बाई स्टेप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप करके इस वीडियो को नहीं देखिएगा। पहले बता देता हूँ ये वीडियो एडुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, इस वीडियो को आप मिसयूज मत कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र होगा वो ब्राउज़र को सबसे पहले आप ओपन कर लेंगे। आपके पास फ़ोन में जो भी ब्राउज़र हो, अपने फ़ोन या किसी अन्य फ़ोन में आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। जो भी ब्राउज़र आपको, गूगल ब्राउज़र हो या क्रोम ब्राउज़र हो या फेसबुक ब्राउज़र हो या अदर कोई भी ब्राउज़र हो, वो ब्राउज़र आप सभी को ओपन करें। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम अपना फेसबुक पहले फेसबुक से ही आप सभी मैं अपना ओपन कर देखिए। फेसबुक ओपन करने के बाद यहाँ से आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल या पासवर्ड आपको देने को मांगता है। यानी कि बोलते हैं यहाँ देने अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देकर आप पासवर्ड डालकर यहाँ से अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, बहुत सारे यहीं पर गलती कर देते हैं। यहाँ पर जो आप मोबाइल नंबर पासवर्ड जो डालते हैं वो पासवर्ड यहाँ से आप अपना सेव कर लेते हैं, और सेव करने के कारण से आप किसी दूसरा कोई आपका फेसबुक अकाउंट हैक कर लेते हैं। चलिए मैं बताता हूँ वो कैसे हैक करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आप सभी को। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालने का कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैं ब्लर कर देता हूँ ताकि मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड दोनों यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप हो जाएगा, और इसको हाईलाइट करके आप इसको आप देख भी सकते हैं। व्यू करके आप यहाँ से पासवर्ड देख सकते हैं, कोई भी आपका पासवर्ड यहाँ से देख सकता है। जैसे आपका पासवर्ड देखेगा तो वो जाहिर से बात है आपका अकाउंट को हैक कर लेगा, और आप बोलेंगे कि मेरे फेसबुक पेज पर गलत एक्टिविटी अपलोड हो रहा है, गलत फोटो इमेज अपलोड हो रहा है, तो ऐसे में आपका फेसबुक अकाउंट तो हैक होगा, इसे आप अपना सेव ना करें। चलिए आप बताता हूँ कि फेसबुक अकाउंट हैक कैसे करते हैं। दूसरा स्टेप मैं बताता हूँ मैं आपको कैसे हैक करता है। देखिए मैं किसी दूसरे का मैं प्रोफाइल ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट है, इस थ्री डॉट पर आपको क्लिक कर दें। जैसे थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आएगा, ये ऐसा खुलकर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर में मिलेगा रिपोर्ट प्रोफाइल, तो क्या करेंगे आप इस रिपोर्ट प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे। रिपोर्ट प्रोफाइल पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐसा बहुत सारा कुछ गाइडलाइंस खुलकर ओपन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये पूरा आपको पढ़ना है कि इसमें क्या लिखा है। यहाँ पर कहीं पर भी हैक प्रोफाइल लिखा हुआ है, फेसबुक अकाउंट यहाँ पर हैक नहीं लिखा हुआ। तो क्या होगा, यहाँ से आप अपना किसी भी फेसबुक अकाउंट को हैक नहीं कर सकते। अगर उस अकाउंट को आप डिलीट करवा सकते हैं, ऐसे डिलीट रिपोर्ट करवा के आप डिलीट करवा सकते हैं। यानी कि आप बोलेंगे कि उसका फेक अकाउंट है, इस पर रिपोर्ट करेंगे तो उसका अकाउंट डिलीट हो गया, या फेक नेम होगा तो यानी कि फेक पोस्ट कर रहा है, यानी कि कुछ भी फेक कर रहा है, यानी कि फेक नाम, फेक पोस्ट, फेक वीडियो इस पर अपलोड कर रहा है, इसका आईडी ये अकाउंट है, ये फेक अकाउंट है। अगर रिपोर्ट करेंगे तो कुछ देर के लिए इसका ये अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। जैसे इसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा वो फिर से अकाउंट खोलेगा ओपन करेगा तो उससे कुछ सवाल पूछा जाएगा, तो उस सवाल को जवाब जैसे ही दे देगा तो उसका अकाउंट फिर से ओपन रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, उस आईडी से फिर से लॉगिन उसका अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपना किसी भी का फेसबुक अकाउंट आप हैक नहीं कर सकते, सिर्फ उसको आप रिपोर्ट करके कुछ देर के लिए ब्लॉक करवा सकते हैं। अगर उसको फिर जैसे ओपन करेगा उसे क्वेश्चन यानी कि कुछ सवाल पूछे जाएंगे, और उसके बाद वो जवाब देने के बाद ही उस आईडी से वो अपना रीडायरेक्ट हो सकता है, नहीं तो वो रीडायरेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा हो। अगर आप सोचते होंगे किसी का भी फेसबुक मैं हैक कर लूँगा, वो हैक करना नहीं, हैक नहीं किया जाता। हाँ, हैक एक ही कंडीशन में होता है, जैसे मैं बता दिया वहाँ पर आप पासवर्ड या अपने नंबर को सेव कर लेते हैं, वहाँ से किसी अन्य पार्टिकल को आप अपना फ़ोन देते हैं, वहाँ से वो अपना पासवर्ड को आपको देख लेगा, और पासवर्ड को देखने के बाद वो आपका फेसबुक अकाउंट को हैक कर सकते हैं, अदरवाइज वो हैक नहीं कर सकता है कोई भी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। अभी भी मैं आप सभी को लास्ट में बता देता हूँ कि ये वीडियो एडुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इसे मिसयूज मत कीजिएगा, किसी को रिपोर्ट मत मारिएगा। तो चलिए
धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद।